बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। समस्या हमारी ये है कि जनपद आगरा की जो दलितों की राजधानी कहलाने वाली जिला है, वहाँ ग्राम मलुकचंद सराय पर पोस्ट नैनो घाट में लगभग 60 वर्ष पुराना हमारा वाल्मीकि मंदिर है। वाल्मीकि वाटिका बनी हुई है, जो लोग आते जाते राहगीर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी गई थी। लेकिन जैसे ही वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर जीते, ठीक उसी समय कुछ लोगों ने 2013 में उनके रिश्तेदारों ने फर्जी बैनामा, गैर कानूनी कागजातों के आधार पर बैनामा किया है और 23 मई 2019 को राजकुमार चार के जीतने के बाद ही उन्होंने उस पर जेसीबी से सबको तोड़ दिया, बगिया तोड़ दी, समाधि तोड़ दी, कुआं खत्म कर दिया। अब अवैध निर्माण कर रहे हैं और मंदिर को तोड़ रहे हैं। ये डॉक्टर राजकुमार चार सांसद जो है फतेहपुर सीकरी, उनके साले हैं, उनके रिश्तेदार हैं और ये सब डॉक्टर राजकुमार चार के इशारे पर हो रहा है। पुनीत चाहर, पवन चाहर, कन्हैया लाल चाहर और शेष कुमार चाहर। ये जमीन किसी के नाम नहीं है, ये निजुल की जमीन है और लगभग 60 वर्ष से भी पुराना, लगभग 100 वर्ष से उस पर वाल्मीकि समुदाय निवास करता आ रहा है। जो किसी समय उस समय के ग्राम प्रधान थे, इनके दादा परदादा थे, ये उनके हिसाब से इनको जमीन मिली थी, तो कई पीढ़ियां बदल गई उसकी, उस जगह इनको रहते रहते। हमारी बस मांग ये है कि जो भू माफिया हैं, जो दबंग लोग हैं जिन्होंने अवैध निर्माण किया है, उस अवैध निर्माण को रोक कर हमारी जगह को, हमारी मंदिर को, जो धार्मिक स्थल है उसको कब्जा मुक्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी, जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजकुमार सत्य प्रकाश जी हैं, उनके साथ मिलकर के बहुजन महासेना सड़क भरो आंदोलन चलाएगी और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। योगी मोदी सरकार जहां अयोध्या का मंदिर बना रही है, वहीं 16 तारीख को उन्हीं चंद्र पुनीत चाहर ने रात के अंधेरे में गुंडों के साथ मिलकर के हमारे वाल्मीकि रामायण को जला दिया और पुलिस ने गिरफ्तार तक नहीं किया। मुझे गिरफ्तार करने की और बात कही है कि तू जाति हिंसा फैलाएगा तो तुझे जेल भेजूंगा। प्रशासन के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व का मुद्दा उठा के आगे आती है। एक तरफ तो वो हिंदू श्री राम जी का मंदिर बना रही है, 4000 करोड़ रुपया दे रही है, 133 करोड़ रुपए के दिए जला रही है अयोध्या में, उधर बहुजन समाज के मंदिरों को तोड़वाया जा रहा है। रविदास मंदिर जी का मंदिर टूटा गया 10 तारीख को दिल्ली के अंदर, लखनऊ अंदर केजीएमयू एंड मेडिकल में वाल्मीकि जी का मंदिर टूटा, आगरा में भी मंदिर टूटा, कब्जा किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुत्व की सरकार होते हुए, हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। समाज, ये वाल्मीकि समाज का मंदिर है और ये बहुजन समाज का मंदिर है, ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है और हमको ये अलग नहीं है और भीम आर्मी इसके लिए पुरजोर से समर्थन में है मंदिर के में, और जो होगा सो उचित कानून के दायरे में रह के हम सब कार्रवाई करेंगे।